दोबारा और भी मेथड को देखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं। आप एक उदाहरण लें, मान लें एक वेक्टर ये ए है, एक और वेक्टर ये बी है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर सपोज इतना दूर ये सी दिया हुआ है, हमें इन सभी को जोड़ना है। तो देखो, एक इसका यह तरीका हो सकता है कि हम सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दें, ठीक है, सारे वेक्टर्स को हम रिजॉल्व कर दें, सभी वेक्टर के हेड से हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है एक्स एक्सिस पे, और इसी तरीका से हम वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर को डाल रहे हैं, है ना। अब तरीका इसका ये है, मान लेते हैं कि यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं यहां पे थीटा डैश बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है, तो उस केस में हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो ए कॉस थीटा होगा और इसका जो कंपोनेंट आएगा ए साइन थीटा होगा, तो इसका काम तो हो गया। अब देखो, ये जो पूरा हम बी देख रहे हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इसका कोई कंपोनेंट वाई में नहीं जाएगा, ये पूरा इतना दूर जो है वो बी का बी ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इस वेक्टर को देखते हैं तो यह जो वेक्टर है पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा उल्टा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका सीधा जाएगा ऐसे ऊपर, है ना, सी को हम यहां लिख देते हैं ऐसे। तो क्योंकि इसका वैल्यू सी है और ये थीटा है ना, तो एंगल जो है वो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है ना, तो यहां पर हम लोग ये जो उल्टा आया इसको हम इतना दूर को लिखेंगे माइनस सी कॉस थीटा डैश। माइनस इसलिए लिखा गया क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर का एंगल है और ये ऊपर ही है, तो इसका इतना दूर जो हिस्सा होगा वो लिखा जाएगा सी साइन थीटा डैश, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि ये नीचे में ये भी आ गया, तो पूरा जो एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट है, यानी कि हम लोग अगर इस तरीका से बना लें एक्स और वाई, तो टोटल जो एक्स कंपोनेंट का यहां पर टोटल जो रिजल्टेंट आया वो आ गया ए कॉस थीटा प्लस बी माइनस, इतना दूर माइनस करेंगे उल्टा है तो हो जाएगा सी कॉस थीटा डैश। और इसी तरीका से ये जो y कंपोनेंट यहां पे आया, तो क्योंकि ये साइन थीटा था और ये पूरी तरह से x में था, है ना, इसका y में कंपोनेंट नहीं आएगा, और ये वाला जो है इसका यहां पे आ जाएगा जो कि सी साइन थीटा डैश होगा, तो इसमें इसको पूरा लिखेंगे ए साइन थीटा प्लस सी साइन थीटा डैश, और ये बीच में 90 डिग्री है। तो जब दो वेक्टर होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है वो यही निकलता है ना, यही हमारा रिजल्टेंट आर हो जाएगा, तो आर को हम लोग आराम से निकाल लेंगे और आर का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड होगा वो आ जाएगा अंडर रूट, जो भी एक्स कंपोनेंट है ना, हम लोग ये पूरा को मान लेते हैं, ये पूरा हमारा एक्स है और ये पूरा को हम मान लेते हैं वाई है, ठीक है, तो आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीका से अगर हम मान लें कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट का जो भी एंगल बन रहा है अगर वो अल्फा है, तो जो टैन अल्फा आएगा वो आ जाएगा अल्टीट्यूड जो कि हो जाएगा वाई बाई बेस, यानी हो जाएगा एक्स।
देखिए आप लोगों को यहाँ पर केवल अलग अलग टेक्निक बताया जा रहा है ना, कि आप जोड़ कैसे सकते हैं, यह भी जोड़ने का ही एक तरीका है ना। तो हमने क्या देखा, हम सभी है ना, हम सारे वेक्टर्स को कंपोनेंट में तोड़ करके भी जोड़ सकते हैं। या देखो कुछ और तरीका, कभी कभी आपको ऐसा भी होगा कि जैसे ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और वेक्टर कई तरीका से घूमते हुए मान लेते हैं कि वो लास्ट में फिर से ए पर चले जाएंगे। अगर ए स्थिति हुआ, यानी कि अगर ए से स्टार्ट हो करके वापस वो ए पर ही चला आएगा, है ना, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा वो सेम हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जीरो होगा, इसलिए रिजल्टेंट इस केस में जीरो लिखा जाएगा। समझे, ये भी एक लॉजिक यहां पे है। एक और कंडीशन यहां पे आता है, और वो कंडीशन ये है, कई बार हम लोग एक ही पॉइंट से कई सारा वेक्टर को ड्रा करते हैं। मान लेते हैं ये जितने भी वेक्टर हैं वो सारे के सारे बिल्कुल बराबर हैं, सारा वेक्टर बराबर है, और बराबर ही नहीं है, सभी के बीच का जो एंगल है वो भी बिल्कुल बराबर है, सारे वेक्टर भी बराबर हैं और सभी के बीच का एंगल भी बराबर है, तो यह एक स्पेशल सिचुएशन है ना। तो इस केस में सभी का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो जीरो आएगा। कभी कभी आप ये जानना चाहेंगे कि क्यों जीरो आया, हम इसका कारण बताते हैं। देखो हम पहले ये वाला वेक्टर को ले लें स्टार्टिंग, तो ये हो गया मेरा वेक्टर, उसके बाद ये वाला वेक्टर को हम इसके हेड पर लगा देंगे, ये वाला वेक्टर को, ठीक है, उठा लो और इसको ऐसे लगा लो, हो गया। इसके बाद ये वाला वेक्टर को इसके हेड पर लगा लो, यानी हमने ऐसे लगा लिया, ठीक है। अब इस वेक्टर को लगा लो इसके हेड पर, ऐसे आ गया, इस वेक्टर को लगा लो थोड़ा सा ऐसे आ गया, इस वेक्टर को लगा लो थोड़ा सा ऐसे आ गया, और फिर फाइनली इस वेक्टर को लगा लो तो ऐसे आ गया। यानी आप लोग क्या देखते हैं, अगर इन सभी को ऐसा ड्रा किया जाए कि पहला वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखा जाए, और दूसरे वेक्टर के हेड पर पहला का टेल रखा जाए, तो इससे क्या होगा, एक यहां पर हमारा फिर से क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल हो जाएगा एंडिंग पॉइंट के, ठीक है। तो क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमारा बराबर हो जाएगा, इसलिए हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग कई सारे जो मेथड्स होते हैं एडिशन में अप्लाई करते हैं। और स्पेशल केस ये है कि देखो, अगर हमारा एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, और मान लेते हैं जो दूसरा वेक्टर है, ठीक है, दोनों बिल्कुल बराबर है, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, और इन दोनों के बीच में एंगल हमारा है 120 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन लिया गया कि दो वेक्टर ए है ना, और उनके बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट देखो क्या निकलेगा। पहले हम लोग पैरेललोग्राम ऐसे बना लें, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, मान लेते हैं आर। अब देखो ये जो रिजल्टेंट है इसके बारे में, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा, और ये साइड
और ये साइड भी बराबर होगा, है ना। तो आप देखते हो कि क्योंकि ये साइड दोनों ट्रायंगल में है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना। तो यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल है वो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये हुआ कि ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया, है ना। अब क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, इसलिए इस साइड के सामने का एंगल और इस साइड के सामने का एंगल भी इक्वल हो जाएगा, यानी ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इन तीनों का जो 180 डिग्री होगा, है ना, तो ये 60 और 60 120 तो हो चुका है, तो बाकी इसे कितना होगा, 60 होना होगा। तो क्योंकि तीनों एंगल हमारा इक्वल है तो ये कहलाएगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसमें तीनों साइड बराबर होगा, है ना। यानी ये ए होगा, ये ए होगा, तो आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझे। तो ये एक स्पेशल केस है कि अगर दो बराबर वेक्टर दिए जाएं और उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल हो, समझे, तो उनका जो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा वो उसके साइड के जस्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है।